ओरिएंट इनेमर क्लासिक नियो 15 लीटर्स के इस इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यह जो गीजर है वह कैसी बिल्ड क्वालिटी लेकर के आता है, साथ ही में इस गीजर में हमें कितनी वारंटी देखने को मिलती है, कितने साल की, और इस गीजर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इस गीजर में हम पानी गर्म करेंगे तो कितना जल्दी यह पानी गर्म कर देता है, कितने डिग्री सेल्सियस तक इससे पानी गर्म होता है, और कितने देर तक गर्म पानी स्टोर करके रख पाएगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहेगा। और अगर आप इस गीज़र को ख़रीदना चाहते हैं तो यह गीज़र आपको ऑनलाइन ही काफ़ी सस्ते में मिलेगा, जिसको कि बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ फोटोज़ क्लिक कर आपको दिखाते हैं और इस गीज़र के बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देते हैं। इस ओरिएंट एनएमर नियो के 15 लीटर के इस इलेक्ट्रिक गीज़र में आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप पानी कितना गर्म हुआ है वो आप देख पाएंगे, और इसका जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह पे आपको सामने से ही दिखता रहेगा कि पानी जो है वो कितना गर्म हुआ है। पानी को गर्म करने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और यह जो गीज़र है वो गर्म पानी को स्टोर भी करके रखता है, लगभग 7 से 8 घंटे तक आप इसमें गर्म पानी को स्टोर करके रख पाएंगे। इस गीज़र में जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया गया है वो कॉपर का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी जल्दी पानी को गर्म कर देता है, और इसका पानी गर्म किया हुआ जो है वो लंबे समय तक टिकता भी है। यह जो गीज़र है इसमें आपको ऑटो कट ऑफ का फीचर देखने को मिलता है, जिससे कि आपका बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा बचेगा, क्योंकि जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लाइट को कट कर देता है, जिससे कि आपका बिजली बचे और पानी भी ज़्यादा ओवर गर्म ना हो। लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर देता है 8 से 10 मिनट में। इस गीज़र में हम वारंटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है हमें इस गीज़र कंपनी में, जो कि है 3 साल की वारंटी इसके हीटिंग एलिमेंट पे, जिससे कि पानी गर्म होता है जो कि गीज़र के अंदर लगा हुआ होता है। 2 साल की वारंटी ओवरऑल पूरे के पूरे गीज़र पे, और 7 ईयर की वारंटी इसके टैंक पे, इनर टैंक में जिसमें पानी स्टोर रहता है, अगर कोई इसमें लीकेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो इसके लिए आपको 7 ईयर्स की वारंटी मिलती है। इनके अंदर में अगर कोई ख़राबी होगी तो आपको बना करके या फिर बदल करके दे दिया जाएगा। तो सर्विस जो है वो ओरिएंट की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है इंडिया में, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ऐसी कोई ख़राबी जो है इनके गीज़र में देखने को अभी तक तो नहीं मिली है। इस गीज़र में 5 स्टार रेटिंग भी देखने को मिलती है, और जो गीज़र है वो बिजली भी बचाता है, लगभग 250 से 300 रुपये के आसपास ही आपको बिजली बिल देखने को मिलेगा महीने का बड़ा हुआ। अगर आप डेली इस गीज़र को यूज़ करेंगे तो 250 से 300 रुपये आपका महीने का बिजली बिल बढ़ेगा, इतना ही आपको अंतर आपको बिजली बिल में देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस गीज़र के इंस्टॉलेशन के बारे में, तो देखिए ओरिएंट जो है एक ब्रांडेड कंपनी है, और जो भी नए नए गीज़र के कंपनी आए हुए हैं वो अपने गीज़र के अंदर में इनलेट और आउटलेट वाला पाइप और साथ में इंस्टॉलेशन भी फ्री में करा करके देते हैं, लेकिन उनके गीज़र की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती है। लेकिन यह जो गीज़र है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, कोई भी दिक्कत आपको इस गीज़र में देखने को नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन इस गीज़र के बॉक्स में आपको इनलेट आउटलेट वाला पाइप और इंस्टॉलेशन का सुविधा नहीं मिलता है, इंस्टॉलेशन आपको खुद से कराना पड़ेगा, मार्केट से करा लेंगे किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला करके तो 200 से 300 में हो जाएगा, लेकिन वही अगर आप इसके कस्टमर के नंबर पर कॉल करके बुलाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे भी लग सकते हैं, तो बेकार में वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी इसका इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, और वारंटी जो है आपका उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने इसको परचेज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से भी इंस्टॉलेशन इस गीज़र का करा सकते हैं, 200 से 300 रुपये में आपका इंस्टॉलेशन जो है इस गीज़र का हो ही जाएगा। तो ओवरऑल गीज़र की बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, और इसके प्राइस को कट करने के लिए ही, प्राइस को कम रखने के लिए ही ऐसा किया जाता है कि बॉक्स के अंदर हम आपको इनलेट आउटलेट का पाइप और साथ ही में जो है इंस्टॉलेशन का जो सुविधा है वो नहीं दिया जाता, ताकि इसका प्राइस जो है वो कम रह पाए, नहीं तो इससे प्राइस जो इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको ही यह प्रोडक्ट महंगे में लेना पड़ता। तो डेफिनेटली यह जो गीज़र है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंटी रस्ट बॉडी है इस गीज़र का, इस गीज़र का जो इनर टैंक है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, और पानी भी काफ़ी जल्दी गर्म करता है, 8 बार का प्रेशर भी यह जो गीज़र है वो झेल सकता है। तो डेफिनेटली आप इस गीज़र को बाई कर सकते हैं, ले लीजिए, लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करिए और इसको ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में 400-500 रुपये महंगे में ही मिलेगा, ऑनलाइन आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।